आज हम बनाएंगे सीताफल का मिल्क शेक। मैंने यहाँ आधा किलो सीताफल लिया है, वो बड़ी आँख वाला लिया है। इसमें सीड कम होते हैं और पल्प ज़्यादा निकलता है। यहाँ एक बाउल में मैंने छन्नी रख दी है, उसके ऊपर सीताफल का सारा पल्प निकाल लेंगे, चम्मच की मदद से निकालेंगे। फिर इस तरह मैशर से सब सीताफल मैश कर लेंगे तो सीड अलग होने लगेंगे। 5 मिनट में मिल्क शेक हमारा रेडी हो जाएगा। मैशर से फटाफट सीड अलग हो जाते हैं। ये सारे सीड अलग हो गए हैं, अब हम उसको सीड को अलग कर लेंगे। इस तरह हाथ से हम निकाल लेंगे सीड को। इस सीताफल के पल्प को हम फ्रीजर में स्टोर करके 3 महीना तक रख सकते हैं। जब भी कोई गेस्ट आए तो फटाफट मिल्क शेक बना के हम सर्व कर सकते हैं। ये अब सारे सीड हमने निकाल लिए हैं। अब इसके अंदर हम मिल्क डालेंगे। आपको ठंडा ज़्यादा पीना हो तो आइस भी डाल सकते हैं। फिर शक्कर अपने हिसाब से डालेंगे। फिर हम मिक्सर जार में ग्राइंड कर लेंगे। अब हमारा सीताफल मिल्क शेक रेडी हो गया है, अब हम सर्व करेंगे। सीताफल का मिल्क शेक आपको कैसा लगा वो कमेंट करके मुझे बता सकते हो। थैंक यू फॉर वॉचिंग।